दिल्ली का चुनावी बिगुल बज चुका है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव आगामी 4 दिसंबर को घोषित हो चुके हैं और वहीं लगभग सभी पार्टियों ने अपने चुनावी प्रत्याशियों को नामांकन भरवाकर मैदान में उतार दिया है। आज हम पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के जगतपुरी वार्ड 209 में आ पहुँचे हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रबल दावेदार हैं जीत के प्रत्याशी शिवदत्त कौशिक जी, उनसे हम सीधा सवाल करते हैं। शिवदत्त जी, बताइए कि आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? सबसे पहला मुद्दा जो जगतपुरी वार्ड में नहीं पूरी दिल्ली के अंदर है, कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एमसीडी के अंदर, और हमने देखा है कि दिल्ली की हर एक गली हर एक नुक्कड़ पर कूड़े का अंबार लगा रहता है। ये क्यों लगा रहता है? सबसे पहले इसकी समस्या क्या है कि जो भी हमारे निगम के कर्मचारी हैं, ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? जो इनके जितने भी काउंसलर चुन के आते हैं वो इतना भ्रष्टाचार करते हैं, जिनके कारण उनको सैलरी नहीं मिली जाती। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप तो आम आदमी पार्टी पर भी लगा, अभी शराब की नीति को लेकर भ्रष्टाचार उजागर कर दिया है उन्होंने, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन आज तक कोई सिद्ध तो नहीं हुआ। आरोप तो दुनिया भर के लगा रहे, लेकिन उसका कुछ मिला नहीं। इन्होंने कहा एक्साइज घोटाला, एक्साइज घोटाला, कहाँ हुआ एक्साइज घोटाला? एक FI इन्होंने दर्ज करी झूठी FI, उसमें एक चीज़ ऐसी बता दी कि इसमें आप भ्रष्टाचार साबित कर सके। कहते इतनी लाइसेंस फी माफ़ कर दी हमने, इतनी लाइसेंस फी माफ़ करी, इतने करोड़ों की कर दी, आज तक एक फिगर तक पे ही नहीं पहुंच पाए, तो किस प्रकार का घोटाला हुआ है? लेकिन आरोप तो तय शीला दीक्षित पर भी नहीं हुए, जिसको मुद्दा बना करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता पर आई थी। ऐसी बात नहीं है, जब हमने ACB में एंटी करप्शन में उनके खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए, तो ये सब इससे क्या साबित हुआ? कांग्रेस BJP दोनों मिली हुई हैं। जब हम उनके खिलाफ FI करा रहे थे ACB के अंदर, जब क्या हुआ, LG साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पे वो ACB डिपार्टमेंट अपने अंडर ले लिया, तो आगे कार्रवाई ही नहीं हो पाई। दिल्ली आप जैसे पूर्ण राज्य नहीं है, तो इसमें पुलिस हमारे अंडर आती ही नहीं। हमने तो पूरी कोशिश करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ने कांग्रेसों को बचाया। लेकिन जितने क्षेत्र आपके अंदर आते हैं, तो क्या आप उस पर भी पूर्ण रूप से काम कर पाते हैं? जैसा कि दूसरे विपक्षी दल कहते हैं कि आप चुनावी रेवड़ियां ही बांटते हैं, सीधा सीधा शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं तो फ्री बी की गेम आप खेलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जनता को मिलनी चाहिए, उसके ऊपर दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल से कार्य किए हैं। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल कितने बेहतर हुए हैं, सरकारी डिस्पेंसरी है, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी अस्पताल कितने अच्छे हैं। अगर हम अपने ही वार्ड से सटे वार्ड की देखें, गीतापुर वार्ड में भी एक ICU हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है चाचा नेहरू के सामने, ये सब हमारी विधानसभा के कार्य होते। पूरी दिल्ली के अंदर अनेक अस्पताल बने हैं, अनेक स्कूलों का निर्माण हो रहा है। आप आज देखिए स्कूल में कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स आज विदेश जा रहे हैं, विदेशी तकनीकों को अपनाया जा रहा है।